सलाम होना लगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये पूरी टीम के साथ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बहुत निभाने की। इस अरसा जो 3 साल का मुझे दिया जा रहा है, मुझे हर किसी के साथ चाहिए। मेरी हर अंजुमन का, मेरे गाँव के हर नौजवान कि हम अंजुमन हैं। हमारे 62 अंजुमन का अगर आप टोटल करें तो कम से कम 20,000 नौजवान हमारे साथ। मैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए था, सुन लिया। बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे बुजुर्ग हैं सारे साथ, और ये होगी मेरे गाइडेंस रहेगी। और कोई भी फैसला हम सब लीडर जो भी रहेगा फैसला करेंगे, और उसके बाद हम फैसला करने के बाद क्या मैनिफेस्टो नया तैयार करेंगे। मैं इसको आज़ादारी की हद तक महसूस रखना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप खासतौर पर देखिए हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं रही जो मुकम्मल तौर पर साथ दमा बैठ रही है। और मरकज चूँकि सबसे बड़ा इदारा है, 60 अंजुमनों के साथ हमारा सबसे बड़ा इदारा है। और हम कोशिश ये करेंगे कि वेलफेयर के काम, यूनिटी के काम, एजुकेशन के काम हम यहाँ तक इस पहुँच सकते हैं। जो अंजुमन नहीं आए उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ बात। इसमें आपके कैंडिडेट भी नहीं आए ज़्यादा कुछ दिन तक, पता नहीं मौजूदगी में क्या सुना कि कुछ अलील है, लेकिन वो इन्फॉर्म कर सकते थे और हमको बाहर मालूम हुआ जो अलील। हम कोशिश ये करेंगे कि वजूहत क्या चीज़ कमी है। खैर उनका भी रिजल्ट आ चुका है, उनके साथ ही दो सबसे पहले हमारे बंदोबस्त हमको कंसर्न डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में रखा गया। हमारी जुलूस और आज़ादा है, हम उनसे सबसे पहले रजू होंगे और उनको बताएंगे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये इलेक्शन कम्प्लीट हुआ। और 60 अंजुमन यानी जुलूस पूरा हमारा होगा, 8 अंजुमन जो है मरकज के काम जो है ना जो अरवाई और 8/11 डे नहीं, या मरकज का शुरू से कोई उर्वम रहेगा चादरा से मुहरम के चादरा से। बिल्कुल मैं भी ये चाह रहा हूँ और हमारी पूरी टीम ये चाह रही है कि 365 दिन ये मरकज हमेशा एक्टिव रहे। वो एक दौर था वो भूल जाइए कि जिनको लोग भी उसको सरकस का नाम दिए, अब ये मरकज मरकज बन गया। कोशिश हम सब की ये रहेगी कि ये मरकज बन। आज तक तो होता रहा, हमारी में बंद रहा, साल के 2 दिन राजपुर और अरबईन के दिन मरकज जिंदा हुआ, बार में ऐलान आ गया कि भाई हमारे यहाँ एक्टिविटी है अरबईन के कुत्ता दिया। और अरबईन हुकूमत की जाने से जो मुहर्रम की मीटिंग होती थी हर बार जो है ना शाम फिर से हो रही है, 15 दिन पहले से हो रही है, इस बार आप उसमें कुछ नुमाइंदगी? हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ वक्त के पहले मुकम्मल हो। और जो मुहर्रम फंड के आते हैं हमारी हमारी अब जो हमारे मोदी साहब का साथ है, और मैं उत्तर प्रदेश बिहार आश्रम थाने में सफाई के जो जो इंतजाम तामीर के पता है, टीम खाते अंदर वाला जय साहब है हमारे कॉरपोरेटर के, और कुछ हमारी सारी ग्रोम जमात के साथ रखा। हुकूमत के जाने से जो मरकज के फंड कर रहे हैं मुहर्रम के लिए, उसके लिए मिसाल हो रहा है, उसके बारे में आपको बताइए। हम ये हैदराबाद साहब से रजू करेंगे और उसको बढ़ाने के लिए बताएंगे, और आशुफानों के बजट को बढ़वाएंगे और अंजुमनों के बढ़ाने के लिए। एक अच्छा पानी पिला देता हूँ कि आप सारी अंजुमन को आमंत्रित दे रहे हैं, वो अपनी मजलिस का खर्चा नहीं बता रहा हूँ, वो पानी का खर्चा कर देता है। एक मौके पर बच्चा हमारा पानी के लिए फिर भी जो उसको मजबूत दे रही है उसको किस यूज़ हो रहा है बराबर जो है ना नहीं, उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी के लिए कुछ मैसेज देंगे? सबकी दुआओं का तलबगार हूँ, बस सबको मेरा सलाम है और मेरे हर किसी का साथ है। हम तो अंजुमन साथ हैं लेकिन हमको सारी फौज का साथ है, इसी के बाद जो है हमें कामयाबी। और सबसे अच्छी बात यह रही है इलेक्शन में कि हम 3 बार में बैठे हुए, आज तक ये होता कि फौरी एक मुखालिफ खेमा पैदा हो जाता है, जैसी किसी सदारत का ऐलान हुआ फौरी मुखालिफत शुरू हो जाए।
ये मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, जमाने का हमारा साथ है और आज भी हमारे पास हुआ हमारे जाकिर भाई है। आज की बरस से इसी शहर में आज़ादारी में हमारे साथ शामिल है, कहीं यूपी के कहीं हमारी आज़ादारी में शामिल है और हर किसी से फर्श अदा का रिश्ता चाहे वो तो दुनिया के किसी मुकाम का हो मेरा भाई का रहा है और रहेगा। Thank you.